फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2023 की लेटेस्ट मॉडल R15M जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसी बाइक के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल यामाहा R15M में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, क्या इसमें अपडेट किया गया है और इस बाइक की क्या लेटेस्ट प्राइस आपको मिली है। तो दोस्तों, अगर आप 2023 में इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं यामाहा R15M, तो इस वीडियो के साथ लास्ट बनेगा। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या क्या आपको अपडेट देखने को मिलती है, क्या इस बाइक का लेटेस्ट प्राइस, कितनी आपको माइलेज मिलती है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिए जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बाइक में आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिलता है 2023 के लेटेस्ट मॉडल में। तो सबसे पहला जो आपको इसमें अपडेट देखने को मिलती है, अब आपको इसमें OBD2 सेंसर मिलने लगी है। यामाहा की जो और भी बाइकें हैं, यामाहा FZS है, FZ है और जो स्कूटी इनकी, उसमें भी आपको OBD2 सेंसर मिलने लगी है। तो अब आपको यहाँ पर यामाहा R15M में भी ये फीचर्स दे दिया गया है। तो OBD2 सेंसर आपको इसमें 2023 की लेटेस्ट मॉडल में आपको मिली है। और जो आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता है यहाँ पे आप देखेंगे इसके फ्यूल टैंक में, तो आपको यहाँ पर E20 की आपको यहाँ पे बैजी मिली है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। मतलब यह बाइक भी एथनॉल कंपेटेबल हो चुकी है R15M। तो E20 का मतलब है कि यह बाइक जो E20 फ्यूल आएगी उससे भी चलेगी और नॉर्मल पेट्रोल से यह बाइक चलेगी। तो काफ़ी बेहतरीन इसमें अपडेट किया गया है, E20 का फीचर इसमें दे दिया गया है। तो E20 का मतलब है कि जो E20 फ्यूल आएगी उसमें आपको 80% पेट्रोल होगी और 20% एथनॉल होगी, जिससे फ़ायदा यह होगा कि यह बाइक पॉल्यूशन को भी कम करेगी और इसका जो माइलेज है, परफॉर्मेंस है, आपको बेहतरीन देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट आपको देखने को मिलता है इस बाइक में जो अपडेट किया गया है यामाहा R15M में। बाकी सभी लुक और डिज़ाइन देखेंगे तो आपको पहले वाली मिलती है, इसमें आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। सेम ही आपको लुक मिलती है, सेम ही आपको स्टाइलिंग मिलती है। दोस्तों, अगर आप कोई स्पोर्ट बाइक मार्केट में सर्च कर रहे हैं तो इस बाइक की तरफ आप जा सकते हैं क्योंकि इसमें आपको जो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यामाहा R15M में आपको जो फीचर्स मिलता है, LED हेडलाइट सिस्टम मिलती है, LED डायल्स आपको मिलता है, क्विक शिफ्टर इसमें लगा हुआ है, VVA इंजन आपको मिलती है, वेरिएबल वॉल एक्चुएशन आपको मिलती है और इसमें आपको जो डुअल चैनल ABS मिलता है, टू राइडिंग मोड्स इस बाइक में दिया हुआ है, ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड आपको मिलते हैं। इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिलती है, TFT डिस्प्ले इसमें दिया गया है 2023 के लेटेस्ट मॉडल में। और इसमें आपको और भी जो फीचर्स मिलता है जैसे क्विक शिफ्टर, ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिलती है। अब बात करें इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है वाराणसी में 232,300 रुपये में यह बाइक अवेलेबल है। और अब बात करें इस बाइक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको जो इसका लुक मिलता है सेम वही आपको लुक मिलती है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर R15M की आपको यहाँ पर बैजिंग मिली है, ब्लैक और ब्लू कलर की आपको ग्राफिक्स मिलती है इसके फ्रंट लुक में, और LED प्रोजेक्ट हेडलाइट आपको मिलती है, LED डायल्स इसमें दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपको मिलती है। अब बात करेंगे इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में ऑफर की जाती है, टेलीस्कोपिक USD फोर्क लगी मिलती है जो कि इसमें आपको गोल्डन कलर का मिल रहा है, जो काफ़ी बेहतरीन इसमें सस्पेंशन आपको इस बाइक में लगी मिलती है। और व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में आपको जो व्हील साइज मिलती है इस बाइक में 17 इंचेस का आपको व्हील साइज मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर जो व्हील का कलर मिलता है ब्लू कलर में आपको मिल जाती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि यह बाइक डुअल चैनल ABS साथ अवेलेबल है, तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लग मिलती है 282mm का आपको डिस्क ब्रेक लग मिलती है विद ABS के साथ, और ब्रेक कैलिपर इसमें लगा मिलता है आपको, बाइब्रेक और ब्रेक कैलिपर दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से है इसका फ्रंट प्रोफाइल। और साइड से इसका जो लुक देखेंगे तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल के आती है, जो काफ़ी प्यारी लग रही है देखने में। और इसके फेयरिंग्स पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर R15M की आपको बैजिंग मिलती है, क्विक शिफ्टर की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती है और ब्लैक पैनल आपको यहाँ पे मिल जाता है और सिल्वर करके आपको ग्राफिक्स मिलती है। तो कुछ इस तरह से इसका फेयरिंग्स आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके फेयरिंग्स पे तो आपके यहाँ पे यामाहा की आपको बैजिंग मिल जाती है और इसमें आपको जो इंजन लाइन मिलती है 155 cc का आपको इसमें इंजन लाइन मिलती है। तो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इंजन स्पेसिफिकेशन आपको कितनी मिलती है और जो इसमें आपको टर्न सिग्नल लगी मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट और रियर दोनों साइड में तो आपको LED टर्न सिग्नल आपको लगी मिलती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसका साइड पैनल पे तो आपके यहाँ पे ब्लैक फिनिशिंग आपको देखने मिलती है। और कुछ इस तरह से जो राइडर फुटपैक्स है, क्लियर फुटपैक्स इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इस बाइक में ऑफर की जाती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो आपको एग्जॉस्ट मिलता है कुछ इस प्रकार आपको देखने मिलती है, सिल्वर फिनिशिंग में आपको देखने मिलती है, जो मफलर है इसमें सिल्वर फिनिशिंग दिया हुआ है और इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट मिल जाती है, जो काफ़ी स्पोर्टी लुक में इस बाइक में दिया गया है। और आगे बढ़े और बात करें यहाँ पर रियर प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके रियर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर VVA वेरिएबल वॉल एक्चुएशन की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती है, कुछ इस तरह से ब्लू और सिल्वर करके आपको ग्राफिक्स मिलती है, जो काफ़ी प्यारी लगी देखने में। और गाइस आगे बढ़े और बात करें इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक में लगी मिलती है लिंक मोनोक्रॉस
सजेशन आपको लगी मिलती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि इसमें एलो कलर में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें मोनो क्रॉस सस्पेंशन आपको लगी मिलती है रियर में, जो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन आपको इस बाइक में जाती है। ओवरऑल बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों साइड में काफ़ी बेहतरीन इस बाइक में सस्पेंशन दिया हुआ है, तो सस्पेंशन क्वालिटी आपको इसमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। अब बात करें इस बाइक के रियर ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है इसमें, जैसा कि मैंने बताया कि डुअल डिस्क और डुअल चैनल एबीएस साथ अवेलेबल है यह बाइक, तो रियर में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक लगी मिलती है विथ एबीएस के साथ। आप यहाँ पर देखेंगे तो व्हील का कलर आपको रियर में भी ब्लू कलर के आपको मिली है, और व्हील साइज की बात करें तो रियर में आपको जो व्हील साइज मिलती है 70 inches का आपको व्हील साइज मिलती है, और टायर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में आपको जो टायर लगी मिलती है 140/70 R70 inches का आपको इसमें ट्यूबलेस टायर बाइक में लगी मिलती है, जो काफ़ी वाइड टायर आपको रियर में लगी मिलती है। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें ग्रिपिंग मिल जाती है, तो ग्रिपिंग आपको काफ़ी अच्छी खासी बाइक में देखने को मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो रियर प्रोफाइल है वही लुक आपको मिलता है, जो टेल लाइट आपको मिलती है LED टेल लाइट आपको लगी मिलती है, और LED टर्न सिग्नल आपको इस बाइक में लगी मिलती है। तो कुछ इस तरह से इस बाइक का रियर प्रोफाइल, और गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह से निकल जाती है। सो गाइस आपको ओवरऑल यह बाइक कैसी लगी है Yamaha R15 EM कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करें इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट लगी मिलती है स्प्लिट टाइप का आपको सीट लगी मिलती है, जो सीट हाइट आपको मिलती है 850 mm का इसमें सीट हाइट दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आपको स्प्लिट सीट लगी मिलती है। जिसकी कुशनिंग की बात करें तो इसमें आपको जो कुशनिंग मिलती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें कुशनिंग मिल जाती है, जो राइडिंग टाइम पर आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। तो इस तरह से आपको राइडिंग सीट मिलती है, और इस तरह से यहाँ पर क्लीन सीट दिया हुआ है, तो ग्रैब हैंडल्स कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे रियर साइड में भी, तो आपको यहाँ पर वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन की आपको यहाँ बैजिंग मिल जाती है, कुछ इस तरह से आप सिल्वर और ब्लू कलर की आपको ग्राफिक्स मिली है। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इसमें आपको जो इंजन लगी मिलती है 155 cc का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, और मैक्स पावर जो आपको मिलती है इस बाइक में 18.1 bhp की आपको पावर मिलती है एट 10,000 rpm पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलती है 14.2 Nm का आपको टॉर्क मिलता है एट 7,500 rpm पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से इसकी इंजन प्रोफाइल लगी मिलती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड स्टे इंजन कटआउट का आपको फीचर मिला है, और इसमें आपको जो गियर बॉक्स आपको इस बाइक में लगी मिलती है 6-speed gearbox आपको इस बाइक में लगी मिलती है। और गाइस यहाँ पे देखेंगे इस साइड में भी, तो आपको इसके फेयरिंग्स पे R15 EM की आपको यहाँ पर बैजिंग मिलती है, क्विक शिफ्टर जिसमें लगा हुआ है इसकी आपको बैजिंग मिलती है, तो दोनों साइड में इसी तरह से आपको इसकी बैजिंग मिली है, और टर्न सिग्नल जैसा कि मैंने बताया कि आपको LED टर्न सिग्नल आपको इस बाइक में लगी मिलती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो फ्यूल टैंक डिज़ाइन आपको मिलता है कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन मिलती है, सिल्वर कलर में आपको मिलती है, बीच में आपको यहाँ पर ब्लू कलर की टैपिंग मिल जाती है, और ब्लैक कलर में आपको मिलती है, जो काफ़ी प्यारी लगी देखने में। और यहाँ पर दोनों साइड में यमहा की आपको बैजिंग जाती है, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे E20 की बैजिंग मिली है, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है इस बाइक में 11 liter का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया हुआ है, और इस पर आपको यमहा वाई कनेक्ट की आपको यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, जैसा कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको फीचर्स मिलती है, और ऊपर साइड में आप देखेंगे तो R15 EM की आपको यहाँ पे बैजिंग मिली है, और इस तरह से आपको इसकी स्विचिंग क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ, इसके डिस्प्ले में जो टेप्टी डिस्प्ले मिलती है तो सारे कंट्रोल्स यहाँ से कर सकते हैं। और राइट हैंड पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इंजन स्टार्ट आपको स्विच मिलता है, और यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड हजार लाइट का आपको स्विच मिल जाती है, और इसमें आपको जो क्लच मिलती है स्लीपर क्लच इस बाइक में ऑफर किया गया है। अब गाइस चलिए मैं ऑन करके आपको दिखा दूँ कि इसका मीटर कंट्रोल आपको कैसा मिलता है, जो TFT डिस्प्ले आपको मिलती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से जब ऑन करेंगे तो आपको इसका TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो काफ़ी प्यारी लगी देखने में, और कलरफुल आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS की लाइट, ये सारी इंडिकेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर न्यूट्रल लाइट आपको मिली है, डिजिटल टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पर किलोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेशन, ओडोमीटर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके TFT डिस्प्ले में, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप यहाँ से कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, SEL बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एवरेज दे सकते हैं, और यहाँ पर आप लैप टाइमर भी दे सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और निचली साइड में आप देखेंगे यहाँ पर तो कूलेंट टेम्परेचर आप दे सकते हैं कितना डिग्री है, और ट्रिप दे सकते हैं यहाँ पर, ट्रिप टू, ओडोमीटर, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आप कितना करंट फ्यूल है, एवरेज स्पीड कितनी रही है, बैटरी कितने वोल्टेज की है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके मीटर कंसोल में। और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे SEL बटन को तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले पे कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हैं, और लैप टाइम को आप सेट कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, सिस्टम सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर शिफ्ट इंडिकेटर। तो गाइस इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग मिल जाती है, तो यहाँ से आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो लैप टाइम रिकॉर्ड, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे मैंने कर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और बैक यहाँ से आते हैं
फिर आपको यहाँ पे दिखा दें इसमें डिस्प्ले सेटिंग में आपको क्या क्या मिलती है। ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, वॉलपेपर आप कोई लगाना चाहते हैं कर सकते हैं, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मीटर मोड आपको मिल जाता है। तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, तो कुछ इस तरह से आपको इसमें TFT डिस्प्ले मिलती है R15M में। सो गाइस, ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस के बाद, जो कि मैंने आपको बता दी कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल यमहा R15 में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसमें E20 का सपोर्ट आपको देखने को मिलती है, LED हेडलाइट के सेटअप मिली है, LED DRLs आपको मिलता है, क्विक शिफ्टर आपको मिलती है, स्लीपर क्लच इसमें दिया हुआ है, और इसकी जो प्राइसिंग है 232,300 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी। VVA आपको इसमें इंजन लगी मिलती है, 155cc का आपको इसमें इंजन लगी मिलती है। तो यही सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यमहा R15 में, जिसकी वजह से आपको इस बाइक की तरफ जाना चाहिए। सो गाइस, अब बात करें इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, तो इस बाइक का जो कर्बेट आपको मिलता है 141 kg का आपको इसका वेट मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है यमहा R15 में 850mm का सीट हाइट दिया हुआ है, और इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलता है इस बाइक में 1990mm का इसका ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है, और विड्थ की बात करें तो ओवरऑल आपको जो विड्थ मिलती है इस बाइक की 725mm का ओवरऑल विड्थ दिया हुआ है, और ओवरऑल हाइट मिलती है 1135mm का ओवरऑल हाइट दिया हुआ है, और व्हील बेस जो आपको मिलती है इस बाइक में 1325mm का इसमें व्हील बेस दिया हुआ है। सो गाइस, ये रहा यमहा R15 2023 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि 2023 की लेटेस्ट मॉडल में आपको क्या क्या अपडेट देखने मिलती है, क्या इस बाइक का लेटेस्ट प्राइस है, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताया हुआ है। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी ये बाइक, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।